हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे नाश्ता, पोहा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए हमने लिए है, यहाँ प्याज लिए हमने एक बड़ी साइज की, यहाँ पीनट लिया है, मटर लिया है हमने, शिमला मिर्च लिए, गाजर लिए, हरी धनिया है, लेमन है आधा, जिंजर है और हरी मिर्च है दो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने तेल यहाँ चढ़ा दिया था, हमारा तेल गर्म हो गया है। यहाँ हम डालेंगे सरसों और जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से चटकने देंगे। प्याज डालेंगे, यहाँ जिंजर डालेंगे और ग्रीन चिली जो हमने ली थी, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। इसमें हम मटर डालेंगे, इसी में हम गाजर भी डाल देंगे, इसको पकने देंगे अच्छे से। आप इसमें करी पत्ते भी डाल लीजिएगा, हमारे पास थे नहीं तो हमने नहीं डाले हैं। इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, इसको थोड़ा ढक के पका लेंगे, हमारी मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको चेक कर लेते हैं, हमारी मटर अच्छे से पक गई है, जिसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको भी पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें शुगर भी डालेंगे। अब इसमें पोहे डालेंगे, इनको हमने वॉश करके रख दिया था, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको डाल देते हैं। इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लेमन डालेंगे, पीनट डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पोहा बन गया है, गैस बंद करके इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पोहा बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें नाश्ते में। हमने गार्निश किया सेव से और थोड़ी सी हरी धनिया से किया है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।